जूनियर एनटीआर की देवारा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन टीजर ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन फिर भी इससे एक्सपेक्टेशन तो थे, बट इसने इतना गंदा काटा कि क्या ही बताऊं। वेल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बेकार है, ये तुम्हें मूवी पसंद भी आ सकती है, लेकिन ये जस्ट तुम्हारे टेस्ट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इसकी स्टोरी की बात करें तो टीजर ट्रेलर में जो हमें देखने को मिला है उससे कई ज्यादा इसकी स्टोरी है। इसके ट्रेलर रिव्यू में मैंने जो एंडिंग को लेके या जो भी चीजें प्रेडिक्ट करी थी मोस्टली चीजें सही ही हुई है, बट इसके अलावा काफी चीजें देखने को मिलती है। मूवी स्टार्ट होती है, इसका फर्स्ट हाफ काफी सही लगता है, बट सेकंड हाफ में ये डल पड़ जाती है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो काफी चीजें देखने को मिलती है, देवरा की स्टोरी कवर करी गई है, अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें दो गाने भी आते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल जाती है। स्टार्टिंग से ही मूवी में एक देवरा का एक खौफ दिखाया गया, जिसका बिल्डअप एंडिंग तक दिया गया है कि देवरा नाम सुन के लोगों की फट जाएगी। नो डाउट कि ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट प्रेजेंटेशन काफी बेकार है। एक्शन तो अच्छे खासे है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक से फील होते हैं। लाइक ज्यादा ध्यान भी नहीं दोगे तो तुम नोटिस करोगे, लाइक ब्लड उड़ना या खंजर आर पार कर देना, वो काफी नकली सा लगता है। इसके अलावा जो हमें ओशन वाले शॉट्स देखने को मिले हैं या पहाड़ वाले शॉट जिसमें वो खड़ा है या बैठा है, वो भी काफी नकली सा लगता है। मतलब CGI को लेकर इसके ट्रेलर और टीजर में जो दिक्कत थी वो चीज हमें मूवी में भी देखने को मिलती है। इसके बाद जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो स्टोरी टर्न लेती है एंड चलते जाती है और एंड में कुछ तगड़ा ट्विस्ट देती है, जिससे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मूवी स्टार्टिंग से ही काफी चीजें सामने रखते जाती है, लेकिन वो चीजें हिट नहीं करती। आई थिंक इस पे किसी और एक्टर ने काम किया होता तो ये मूवी एवरेज होती, बट क्योंकि जूनियर NTR है इसलिए थोड़ी बेटर फील होती है। इसके अलावा भैरा यानी कि सैफ अली खान ने भी बहुत अच्छा काम करा है, मतलब एक्टिंग के मामले में सबने बहुत अच्छा वर्क किया। स्टार्टिंग से जिसका वेट कर रहे थे वो बहुत लेट से दिखती है और उसका स्क्रीन टाइम भी काफी कम है, मतलब कह सकते हैं कि बस ग्लैमर के लिए उसे रखा है। आई थिंक तुम समझ गए होगे कि मैं बात कर रहा जाह्नवी कपूर की। इनका कैरेक्टर क्रिंज सा फील होता है, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, बट जो भी है उसमें कुछ खास करते तो नहीं दिखी है। ये मूवी का सिंपली कंक्लूजन देखे तो अच्छा एक्शन है, अच्छा म्यूजिक है, ठीक ठाक सा स्टोरी है, अच्छा सिनेमेटोग्राफी है, हमेशा की तरह एक टिपिकल साउथ मूवी है ये। अगर तुम ऐसे मास मसाला मूवीज से खुश हो जाते हो तो हाँ तुम्हें ये पसंद आएगी, बट अगर तुम्हारा टेस्ट मूवी को लेके काफी डिफरेंट है देन तुम्हें ये कुछ खास नहीं लगने वाला। लेकिन हाँ, जैसा इसका क्लाइमेक्स दिया गया है, ऑनेस्टली मैं इसका पार्ट 2 देखना तो चाहूंगा, भले ही वो बाहुबली से कॉपीड या इंस्पायर्ड है, बट स्टिल मैं इंटरेस्टेड तो हूँ। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता एंड मूवी के स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जान लो कि इसकी क्लाइमेक्स कुछ ऐसी है कि डैश ने डैश को क्यों मारा, जैसा कि हमें बाहुबली में देखने को मिला था, जिसका हमको कंक्लूजन पार्ट 2 में देखने को मिला, एंड सेम देवरा में भी यही है कि हमें पार्ट 2 में पता चलेगा कि डैश ने डैश को क्यों मारा। वेल, अब मूवी देखना ना देखना तुम्हारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एकदम खराब तो नहीं बोल सकता क्योंकि दो टाइप की ऑडियंस है, पहला जिसे मूवी बहुत पसंद आ रही है उसे मास्टरपीस कह रहे हैं, दूसरा जिसे ये ठीक ठाक लगेगी। अब तुम पे डिपेंड करता है, अगर इंटरेस्ट है तो देख लो, अब देखना है या नहीं वो बाद में सोचते रहना, पहले तुम सब्सक्राइब का बटन दबा लो, यहाँ पे ऐसी मूवी सीरीज से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेगी। सो कर लो, फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।